थोड़ा सा एक ऊपर ले जाके शर्ट नर्व का स्ट्रेच देते हैं। ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि जो आपकी नर्व है, जो आपके मोहरों के दरमियान दबी हुई है, वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है और बाकी और भी बहुत से फैक्टर होते हैं। आपने हैवी लिफ्टिंग कर ली, हैवी बेंडिंग कर ली है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग कर ली आपने, या झुक गया सडन, तो आपके जो नर्व पिंच हो सकती है। नई बार डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाज़रीन, बहुत से लोगों को फिजियोथेरेपी का पता होगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं फिजियोथेरेपी होती क्या है, किस लिए होती है, कौन सी बीमारियाँ, इन बीमारियों से लड़ने के लिए फिजियोथेरेपी की जाती है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर नौरीन कासिम का, थैंक यू सो मच मिस, आपने दोबारा से टाइम दिया। आप चूँकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपकी टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं दूसरों से, अब मेडिसिन पे नहीं जाती, टेक्निक्स पे जाती हैं, तो मुझे थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी और मुझे भी बताएं कि फिजियोथेरेपी होती क्या है और किस पर्पज़ के लिए करवाई जाती है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हम जो है फिजिकली थेरेपी देते हैं, ठीक है, इसमें मेडिसिन का इतना रोल नहीं होता। हमारी एक्सरसाइजेस होती हैं, मुख्तलिफ किस्म मशीनों का इस्तेमाल होता है कि जिसका जैसा इशू होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर मशीन अप्लाई की जाएगी। अब इसमें जो हमारे पास मरीज आते हैं वो हर तरह की स्पेशलिटी से आ जाते हैं। मतलब इसमें कौन कौन सी डिजीज आ जाती है जिनको रिकवर करने के लिए फिजियोथेरेपी? बिल्कुल, अगर हम मस्कुलर और जो जॉइंट्स की बात करें, जो ऑर्थोपेडिक इशूज आ जाते हैं, उसमें आपकी नेक पेन है, बैक पेन है, स्पाइनल जितने भी आपके इशूज हैं, कंधों का दर्द है, जिस्मानी आपकी जितनी भी दर्द हैं वो फिजियोथेरेपी हम ट्रीट करते हैं। आपके घुटनों का दर्द हम वो भी ट्रीट करते हैं। इसके अलावा न्यूरो केसेस में देखें तो सीपी चाइल्ड बहुत कॉमन इशू है बच्चों का, ठीक है, न्यूरो का केस एक है, तो उसको भी फिजियोथेरेपी, बिल्कुल उसको फिजियोथेरेपी से हम ट्रीट करते हैं। और जो स्ट्रोक पैरालिसिस है जो, इसको भी हम फिजियोथेरेपी से ही ट्रीट करते हैं। इसके अलावा गायनी में देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं फीमेल्स के, गायनेकोलॉजिकल, तो उसमें गायनेकोलॉजिकल, ठीक है, तो उसमें भी हम बहुत से जो हैं वो फिजियोथेरेपी मोडलिटीज होती हैं, मशीनें होती हैं, एक्सरसाइज उसको हम ठीक करते हैं। मतलब मशीनरीज भी यूज़ की जाती हैं, वो नौयत के हिसाब से होता है कि इसको थेरेपी, मतलब एक होता है फिजिकल थेरेपी से आप उसको कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको प्रॉपर मशीन भी यूज़ करनी पड़ती है। ऐसे किस तरह के केसेज आते हैं जिनमें मशीनें यूज़ करनी पड़ती हैं आपको? जैसे हमारे पास बैक के पेशेंट आते हैं, ठीक है, अगर उनका कोई बहुत ज्यादा पेन है, ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज नहीं करवा सकते, क्यों? अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई बुजुर्ग है जी, ज्यादातर दर्दें जो है बुजुर्गों में होती हैं कि बुजुर्ग जो है दर्दें निकल आती हैं और फिर इतनी इतनी मिकदार में वो मेडिसिन लेते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होती, उनके लिए क्या सजेस्ट करती हैं? उनके लिए फिजियोथेरेपी बेस्ट है, क्यों? क्योंकि एक उनकी ओल्ड एज है, उनका इतना स्टेमिना नहीं होता, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को बेयर करें, ठीक है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको जिस्मानी तौर पर जो है मसल स्ट्रेंथन होते हैं और आपकी जो बीमारी वो खत्म होती है, रूट कॉज ट्रीट करते हैं। अच्छा, जैसे ये पेशेंट लेटे हुए, इनका क्या इशू है? ये जो पेशेंट है इनकी बैक का इशू है, ठीक है, 3-4 साल पुराना इनका इशू है, इतना पुराना इशू है। अब जो इनका इशू शैटिका में चेंज हो गया, ठीक है, शैटिका क्या होती है, थोड़ा आम लैंग्वेज में भी बताएं ताकि देखने वालों को भी पता हो। शैटिका इसमें ये होता है कि आपका जो बैक होती है उसके जो मोहरे होते हैं, ठीक है, उसमें कोई डिस्क का प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, या कोई और आपके मसल टाइटनेस आ जाए, तो आपकी जो शैटिक नर्व होती है जो आपकी बैक से पूरी टांग में आ रही होती है पांव तक, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाती है। जब वो कंप्रेस होती है तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ नर्व जाएगी वहाँ वहाँ जिसको पेन होगी, अब इनकी बैक से पेन वो पूरी हील तक जा रही है, ठीक है, तो ये पेन जो है वो कन्वर्ट हो रही है, पेन इनकी जहाँ तक शैटिक नर्व का पाथ है वहाँ तक जाएगी है। अच्छा, ये पाथ के बारे में भी थोड़ा सा बता दो। शैटिक नर्व है ना जो हमारी, ये हमारी जो निकल रही है लंबर रीजन से, ठीक है, लंबर रीजन जो आपकी बैक होती है, यहाँ से लेकर इनकी पूरी टांग के पीछे आती जा रही है। इनका दूसरा सेशन है, ठीक है, तो इनको हम बताएंगे, अपनी टांग मूव करके दिखाएं और मूव करें, जैसे कि इनकी टांग पूरी ऊपर मूव नहीं कर रही, ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे पेन फील हो, बिल्कुल इनको पेन फील हो रही है, ठीक है, तो इसमें आप ये टांग मूव करके दिखाएं, ये इनकी जो है ये पेन फ्री है, ये इनका इस साइड का इशू नहीं है, इनके जो मेन इशू है वो राइट साइड का, हाँ जी, तो इसमें इनको हम थेरेपी भी करके दिखाएंगे, ठीक है, पहले हमने इनको 2-3 मशीनें लगाई थी, ठीक है, तो वो भी आपको बताएंगे क्यों कैसे लगाई थी हमने, बाकी इनको हम जो फिजियोथेरेपी पहले आपको करके दिखाते हैं कि कैसे दिखाइए किस तरह। नाज़रीन, आपको कैमरे की स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरह फिजियोथेरेपी की जाती है और इनकी लेग में पेन है उसको कैसे डॉक्टर ट्रीट करती हैं और उनको ठीक करती हैं आपको दिखाते हैं, आइए। जैसे इनका शैटिका का इशू है, शैटिका का कंप्रेशन है, जो इनकी शैटिक नर्व उसका कंप्रेशन है, तो मेनली तो उसका उसी को नर्व को रिलीज करना है। इसमें हमारी एक्सरसाइज होती है ये वाली, जिसमें हम थोड़ा सा एक ऊपर ले जाके शैटिक नर्व का स्ट्रेच देते हैं, ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि जो आपकी नर्व है जो आपके मोहरों के दरमियान दबी हुई है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। इसकी वजूहत क्या होती है?
इसके कंप्रेशन की, आपकी हेक्टिक ड्यूटी हो सकती है, ठीक है, आपका पोस्चर खराब हो सकता है, आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, और बाकी और भी बहुत से फैक्टर होते हैं। आपने हैवी लिफ्टिंग कर ली, हैवी बेंडिंग कर ली है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग कर ली आपने, या झुक गए सडन, तो आपके जो नर्व पिंच हो सकती है। अभी इनको हम 3 से 4 दफा जो है इनके स्ट्रेच देंगे, जिससे इनको काफी बेटर फील होगा। उसके बाद इसको जो हम इधर के मसल्स हैं इसी साइड के उनको स्ट्रेच करेंगे, अपनी टांग मोड़ लें। ये क्या प्रोसेस है जो आप अब कर रही हैं? ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जो इधर के पट्टे होते हैं उनको स्ट्रेच करना होता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग से ये होता है कि जो बाद में जो इनका जो मसल है वो रिलैक्स हो जाता है, और जो कंप्रेशन है उसमें काफी रिलीफ होता है पेशेंट को, ठीक है। मतलब इसके बाद जो है इनके जो पेन है उसमें खासी कमी आती है? बिल्कुल, जिस तरह इस मसल को हमने स्ट्रेच किया है इनको काफी यहाँ पे रिलीफ फील हो रहा होगा, ठीक है। अब इनका फीडबैक भी लेते हैं। इसके अलावा फिर हमारा इनकी जो पेन है वो हील तक आ रही है, तो हम यहाँ के मसल्स को भी स्ट्रेच करेंगे। इसको बेंड कर लें, ये यहाँ के मसल को हम 5 से 6 स्ट्रेचेस देंगे, ठीक है। अच्छा, ये टाइम ड्यूरेशन होती है कि कितनी बार इसको स्ट्रेच करना है आपने? बिल्कुल, ये पेन की नोयत पे होता है? नहीं नहीं, ये स्पेसिफिक हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का जो एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। हम 3 सेकंड का स्ट्रेच देते हैं, ठीक है। 3 सेकंड का स्ट्रेच दिया हमने, छोड़ दिया, तो पेशेंट टोन अप हो जाते हैं, इतनी फिर उनमें कैपेसिटी आ जाती है बेयर करने की, चाहे 20 भी करवा लो उनको कोई इशू नहीं, मतलब फिर वो एक चीज का यूज हो जाता है। हम रेंज चेक करेंगे, आप टांग अपने ऊपर उठाएं, वे दोबारा से इनका वो पहले वाला टेस्ट ले लिया। हाँ जी, पहले से आप भी फील कर रहे हैं? बिल्कुल, वो नजर भी आ रहा है कैमरे की स्क्रीन पर, नाज़रीन आप भी देख सकते हैं कि इनकी टांग जो है वो पहले मूव नहीं कर सकती थी इतना, लेकिन अब वो काफी बेहतर तरीके से मूव कर रही है। आपको पहले से कैसा फील हो रहा है? ठीक है, आप पहले से बेहतर फील हो रहा है? तो जो मशीनों की नौयत आती है, जो मशीनें यूज़ करनी पड़ती है, अब इनमें ये एक आम नौयत की दर्द थी, तो इसमें मशीनों की ज़रूरत नहीं है, या आप रिकमेंड करती हैं कि मशीनों की बजाय आप हाथों से कर सकते हैं? हाथों से भी कर सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं वो पेन के साथ आते हैं कि मुझे सीवियर पेन हो रही है, उसमें एक्सरसाइज करवाना मुमकिन नहीं होता, मतलब आपको क्यों मूवमेंट करवाएंगे तो पेशेंट की पेन ज़्यादा निकलेगी, फिर उससे पहले हम वार्म अप कर लेते हैं, हीट थेरेपी देते हैं, सर्कुलेशन बेहतर हो जाए, ज़रा वहाँ का मसल रिलैक्स हो जाए ताकि हम एक्सरसाइज फर्दर करवा सकें। इसके अलावा 3-4 मशीनें होती हैं, आपको अप्लाई करके भी दिखाते हैं, आप लेट जाएँ, ठीक है, दिखाइएगा, आप उल्टे लेट जाएँ, टर्न करिएगा। अच्छा मिस, ये जो अब आप प्रोसेस करने लगी हैं, ये फिजियोथेरेपी का कौन सा प्रोसेस है और इसमें कौन सी पेन को डील किया जाता है? ये मैनुअल थेरेपी है, ठीक है, ये हम आपके जॉइंट पे कर सकते हैं, आपकी स्पाइन पे खास तौर पे, ठीक है। इससे हम आपके जॉइंट्स को मोबिलाइज करते हैं, मोबिलाइज करने का पर्पज ये है कि इनको थोड़ा हमने वो मूवमेंट गेन करवानी होती है पेशेंट की, मोबिलाइज का पर्पज में बेसिकली यही होता है। बाकी इसके अलावा हम जो है इनको थोड़ा सा इनका सॉफ्ट टिश्यू भी करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू में ये होता है कि जो आपका टेंडर पॉइंट हमें फील होते हैं ना, हम हाथ से रिलीज करते हैं वो, ठीक है, अपने थंब के साथ, ठीक है, और जो थंब से नहीं हो पाते फिर उनका क्या करेंगे? फिर वहां पे ड्राई नीडलिंग का यूज होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये भी मशीन है, ठीक है, तो ये हम इन पे अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मशीन के बारे में भी बताएं, इनसे क्या कौन कौन से फायदे होते हैं? ये मशीन में बेसिकली इसका जो पर्पस वो पेन के लिए है, ठीक है? ये जब पेशेंट पेन के साथ आता है तो सब इसको टेंस कहते हैं, ठीक है, तो पेशेंट पे लगाई जाती है, ठीक है, जब पेशेंट पे पैड लगा देते हैं जो अफेक्टेड एरिया होता है पेशेंट का, तो जब मशीन हम चलाते हैं तो अंदर पे जो मसल्स की हैं वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इम्पल्सिस जाती हैं ब्रेन की तरफ, ठीक है, और उससे जो पेशेंट की वो पेन में काफी फर्क नजर आता है। हाँ जी, अभी इनको मतलब जैसे आप पहले बता रही थी कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको थेरेपी दे ही नहीं सकते हाथ से क्योंकि उनको पेन ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, तो उनके लिए फिर ये मशीनें यूज करते हैं। हम टेंस लगा के, हॉट पैड लगा के और थोड़ा सा इस तरह उनको पेन है वो रिलीफ करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करवा, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं आ सकते जिनका वो बिल्कुल पेशेंट हाथ नहीं लगाने देते और इसके अलावा उनकी मसल इंजरी का ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। ये मिस कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ये इसकी मोबिलाइजेशन है, हम स्पाइन की मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि आपकी जो आपको मोबिलिटी में इश्यूज आते हैं, मूवमेंट में इश्यूज आते हैं, झुकने में, ठीक है, बेंड होने में, वो रिजॉल्व होता है। जब वो रिजॉल्व होते हैं तो आपकी जो पेन है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, ठीक है। ये हम इनकी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। बाकी हमारे पास एक टेंस है, ये भी हमारी फिजियोथेरेपी एक बेसिक मोडेलिटी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी पेन रिलीफ में काफ़ी मतलब उसमें
फर्क आता है, ठीक है, पेन में, ठीक है। जब इसको हम लगाते हैं 15 मिनट के लिए लगाते हैं और इसमें जो है हम इनके जो बटन जब ऑन करते हैं, पेशेंट से इंटेंसिटीज पेशेंट के अकॉर्डिंग होती है, जितनी पेशेंट बेयर कर सके, ठीक है। इसमें सेंसेशन कैसी आती है, जैसे हल्का सा करंट आ रहा है, ठीक है, मतलब ज्यादा फील नहीं होती, वो ज्यादा फील नहीं होती, इतना इरिटेट मतलब नहीं करती पेशेंट को, ना पेन होती है इसमें। 15 मिनट के लिए लगाते हैं और उसके बाद जो है 15 मिनट के बाद पेशेंट जो पेन वो रिलीफ होती है और इसमें मसल कॉन्ट्रेक्शन आती है, ठीक है। ये हमारी टेंस की मशीन, वो फिजियो में टेंस की मशीन यूज की जाती है, ठीक है। ये मशीन का क्या पर्पस होता है मिस? ये आपकी जैसे कि ये मोहरों के लिए है, ठीक है, ठीक है। ये जो इनका हेड लगाया हुआ है, स्पेसिफिकली इसकी प्लेसमेंट होती है आपके जो रीढ़ की हड्डी के मोहरें साइड्स होती हैं, उनका जो सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करना होता है। जब वो सॉफ्ट टिश्यू रिलीज होता है पेशेंट को काफी हद तक रिलीफ फील होता है और जो नर्व का जो कंप्रेशन है वो रिलीज हो जाता है। कितनी देर का ये प्रोसेस होता है मशीन के साथ? आप मैक्सिमम इसको 3 से 4 मिनट के लिए लगा सकते हैं। बेसिक पर्पज आपने जो है यहाँ के जो मसल उसको रिलैक्स करना होता है, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरह आपको कैमरे की स्क्रीन पर हमने दिखाया, ये पूरा फिजियोथेरेपी का प्रोसेस कि कौन कौन से जॉइंट्स में पेन होती है और कैसे उनको रिलीफ किया जाता है, जैसे ये मशीन भी इसी तरह इनकी एक प्रॉब्लम है, इनको पेन है, उसको रिलीफ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये 3 मिनट तक आपने बताया, गलत? बिल्कुल, 3 से 4 मिनट आप लगा सकते हैं, ठीक है। नाज़रीन, आपको कैमरे की स्क्रीन पर हमने दिखाया कि किस तरह फिजियोथेरेपी की जाती है और कौन कौन सी पेन को इनसे रिलीफ किया जाता है, कौन कौन से जॉइंट्स की जो पेन होती हैं उनको कैसे रिलीफ किया जाता है। मेडिसिन की बजाय टेक्निक्स का यूज़ करना मेरे ख्याल में तो सबसे बेहतर है। आप क्या समझते हैं, अपनी राय भी बताइएगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।